नमस्कार, आजिर खबर आपण समस्तंको स्वागत जणबा सहित खबर आरंभ करछि। नंबर 1, आजि थारु आरंभ हेबो विधानसभा बजेट अधिवेशन। आजि विधानसभा बजेट अधिवेशन आरंभ हेबारु अधिवेशन प्रथम दिन रे गृह को संबोधित करिवे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। चलित वर्षर बजेट अधिवेशन रे आसंता काली थारु आरंभ होई एप्रिल 9 तारीख पर्यंत चालिबाकु थिला बेले 18 तारीख रे अर्थमंत्री विधानसभा रे बजेट उपस्थापन करिवे। चलित वर्ष बजेट आकार रे 1.5 लाख कोटी टपिब बोली जणा पडिछि। नंबर 2, आसंता 48 घंटा पर राज्य रे बढ़िबो ताति। आसंता 24 घंटा राज्य रे ठंडा प्रभाव जारी रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 48 घंटा पर राज्य रे पूर्णि 2 दिन पर राज्य रे ताति वृद्धि पाइबो। राज्य रे आसंता 24 घंटा रे सोनपुर बौद्ध अनुगुल जिल्ला रे शीत प्रभाव प्रबल लहरी नै सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 48 घंटा पर धीरे धीरे तापमात्रा बढ़िबा सह 3-4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब तापमात्रा। 15 तारीख रे उपकूल ओडिशा समेत कोरापुट नयागढ़ रायगढ़ ढेंकानाल अनुगुल जिले रे स्वल्प कुहुड़ी देखादेवार संभावना थिबा नै आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान करा जायछि। राज्य रे आसंता 5 दिन पाग सुखिला रहिबा सह किछि स्थान रे प्रबल कुहुड़ी देखिबा को मिलिब। नंबर 3, ट्रक को धक्का देला यात्रीभाई बस, 14 मृत 35 आहत। गतकाल विलंबित राति रे दिल्लीर मोतिहारी बा बिहार अभिमुखे जाउथबा एक स्लीपर बस आग्रा लखनऊ एक्सप्रेस वे रे ओदान निकट रे भारसाम्य हरै रास्ता पार्श्वरे छिड़ा होइथिबा एक ट्रक को पछपटु धक्का देथिला, फल रे 14 जनकर मृत्यु घटिछि। एहा सह दुर्घटना रे 35 जन यात्री आहत होइछन्ति। आहत को साईपाई हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। बस रे 45 जन यात्री थिले बोली जणा पडिछि। घटनास्थल रे पुलिस पहुँची आहत को आम्बुलेंस जुगे चिकित्सा पई हॉस्पिटल पठाइछि। नंबर 4, देश रे बिना ड्राइवर रे प्रथम थर पई पानी भितर गड़ा ट्रेन। देशर प्रथम मेट्रो ट्रेन सेवा आरंभ कर रेकर्ड सृष्टि करलकता सहर आज पुणी एक नुआ रेकर्ड करी। कोलकाता आज प्रथम थर पर पानी भितर मेट्रो ट्रेन गढ़ी। केन्द्र रेलमंत्री पीयूष गोयल यही सेवार शुभारंभ कर। कोलकाता मेट्रो ट्रेन रेल कॉर्पोरेशन निजर ईस्ट वेस्ट करिडर अधीन अंडर व्वाटर पानी भितर टनेल या भाई एक स्वप्न को वास्तविकतार रूप दे। कोलकाता रे हुगुली नदी गर्भरे एहा करा जाइथिबा बा निर्माण करा जाइथिबा नि एही टनेल कोलकाता रु हावडा को संयोग करिवो। नंबर 5, चासी को हसाइबो चकड़ निरोधी धान हर्षंत। चासी को हसाइबो हर्षंत। कोरापुट जिल्लार खरीफ ऋतु रे लागुथिबा चकड़ा पोक को दमन करि देबो भल अमल। ताहा पुणी अन्य धान तुलना रे अपेक्षाकृत अधिक अमल। जयपुर रे रहिथिबा आंचलिक कृषि गवेषणा और वैश्विक ज्ञान प्रशासन उपकेन्द्र रे 3 वर्ष हेबो चली गवेषणा। कोरापुट जिले में लागुवा चकड़ा पोक को हत करने को आसी नुआ प्रजाति धान। यही धान हेक्टर पिछा प्राय 55 क्विंटाल धान अमल देव। यही धान नाम हो हर्षंत। नंबर 6, आज फुलवामा आक्रमण को वर्षे पूरला। 40 शहीद को आज भी झुरुची मातृभूमि। फुलवामा आक्रमण को वर्षे पूरी। वर्षे पूर्वे 40 जन वीरपुत्र को हर देश। इतिमध्ये वर्षे बीती जाइए हेले आक्रमण जो क्षत सृष्टि करना देशपाई जीवन देथिबा शहीद को आज भी झुरुची जन्ममाटी। देशपाई प्राणबळी देथिबा शहीद को मने पकाई गुमुरी गुमुरी कांधुची मातृभूमि। से दिन थिला फेब्रुवारी 14 तारीख। राजपथ उपर लंबा लाइन होइथिबारु आगु को बढ़ुला सीआरपीएफ जवान कर काफिला। 78 बस ट्राजिटिंग क्यांप्रु फेरुले प्राय 2500 जवान। सबकिछि स्वाभाविक चलीला हेले हठात खूब जुगरे शुभिला एक विस्फोरण शब्द आउ आखि खुली चाहिला बेलकु सबु खिनबिन होइ सारिथिला। नंबर 7, चाकरी शिक्षानुष्ठान संरक्षण व्यवस्था कर त्वरित पदक्षेप नियंतु राज्य सरकार। राज्य में ओबीसी और एससीबीसी वर्ग को चाकरी और शिक्षानुष्ठान क्षेत्र में संरक्षण दे सेमानकर सांविधानिक अधिकार देबापाई राज्य सरकार त्वरित पदक्षेप नेबा जरूरी बोली ट्वीट कर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। राज्य सरकार ओबीसी कमिशनर गठन करने पर धर्मेन्द्र प्रधान यही ट्वीट माध्यम से निज मतव्यक्त रखिंट। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर दीर्घ 30 वर्ष धरी ओडिशार ओबीसी और एससीबीसी वर्गों सांविधानिक अधिकार वंचित अच्छा। चाकरी और शिक्षानुष्ठान संरक्षण पर सांविधानिक विधि व्यवस्था सत्वे यही समाज को सेमकर अधिकार दि जापर ना। नंबर 8, केन्द्रापड़ा दबिला निर्माणाधीन रेल लाइन। गतकाली विलंबित रात्रि में केन्द्रापड़ा हरिदासपुर पारादीप मार्सागाई केनाल ब्रिज गोसीबंधे निर्माणाधीन रेल लाइन दबी जाइए। रेल लाइन दबी जबार रास्ता कड़े थिबा 2टी घर क्षतिग्रस्त होइछि। 2टी घर कांथ फाटी जिबारु परिवार लोके भयभीत हो पड़िछन्ति। निम्नमानर काम जोगु रेल लाइन दबी जाइथिबा अभियोग होइछि। रेल लाइन ल 50 फुट निकटरे थिबा परिवार क्षतिग्रस्त होइछन्ति। नंबर 9, कोरोना को नै चीन ले जटिल परिस्थिति। सारा विश्व रे आतंक खेलाइछि कोरोना भाइरस। चीन ले कोरोना आक्रांत को संख्या दिनकु दिन लगातार बढ़िबारे लागिछि।
ଏବେ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1350 ପାର କରିଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ଚୀନ୍ର ହୁବେଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 242 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ 15,000 ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଆଉ ଏତେ ରୋଗୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ନେଇ ଚୀନ୍ରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଛାଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଏଣିକି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅପରାଧୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ଏହି ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ରୂପେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଗିରଫ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁପ ସାଏ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଅନୁପ କୁମାର ସାଏଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। 2016 ମସିହାରେ ମାଓ ଝିଅଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ ଅନୁପକୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ବଜ୍ରନଗରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁପଙ୍କ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ଅନୁପଙ୍କ ରାୟ ଜିଲ୍ଲାର ଚକ୍ରନଗର ଥାନାରେ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନୁପ କୁମାର ସାଏ ବଜ୍ରନାଗପୁରର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 3 ଥର କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ। ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି 2014 ବିଜେଡ଼ି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟଗାର ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଅନୁପ କୁମାର ସାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।